रिमझिम, रिमझिम। राकेश भैया, भैया आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं रिमझिम से बात करता हूँ। नहीं अविनाश, आज फैसला हो ही जाना चाहिए कि ऑफिस में वो लोग रहेंगे या हम लोग। क्या बात है राकेश, आप इतने नाराज क्यों? तुम लोग घर में करते क्या रहते हो? तुम्हें मुझे फोन करके बताना चाहिए था, क्यों जाने दिया उन लोगों को वहाँ? करोड़ों की डील निकल गई मेरे हाथ से माँ, और ये सब कुछ हुआ उन लोगों की वजह से। किन लोगों की वजह से राकेश? अरे वही लगता है ये लोग अपुन की तारीफ कर रहे हैं। अपनी तारीफ तो करेंगे ही, अब ये लोग तो ऐसे हैं नहीं कि कोई इनकी तारीफ करे। ए, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, बात करने की तमीज नहीं तुम लोगों को? छोड़ो ना जयंती, पहले ये तो पता करिए कि हुआ क्या है। भैया आप इतने गुस्से में क्यों? कौवा 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 कीने बवाल मचाया? रिमझिम क्या हुआ? सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है रिमझिम। आज मुझे करोड़ों का नुकसान हो गया इन लोगों की वजह से। कितनी मुश्किल से मैंने अपने क्लाइंट्स को समझाया था बिजनेस करने के लिए, और इन्होंने ऑफिस में आके वो हंगामा किया कि वो लोग चले। इन्होंने हमें केबिन में लॉक कर दिया, हमारी टेलीफोन लाइंस कट कर दी, हमारे मोबाइल्स तक चुरा लिए इन लोगों ने। क्या तुमने जिम्मेदारी ली थी ना इनकी? अब पानी सर से ऊपर जा रहा है रिमझिम। समझा दो इन्हें कि इन्हें घर में रहना है तो घर में रहें, ऑफिस में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा ये। राकेश भैया आप अंदर चलिए, रिमझिम को इन लोगों से बात करने दीजिए। अब चलिए। हमने आपसे कहा था ना हम मुन्ना को नौकरी लगा देंगे, थोड़ा सा सब्र नहीं हुआ आपसे, क्यों भेज दिया उसको ऑफिस? रिमझिम हम साची बात कह रहे हैं, हमें कछु नहीं पता। अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? इन्होंने आपको ये तो बता दिया कि हम उनके ऑफिस गए थे, लेकिन ये नहीं बताया ना कि कैसी बेइज्जती की है लोगों ने हमारी। हर एक जवाब के लिए हमें आपसे तो नहीं पूछना पड़ेगा ना? मारूंगी मारूंगी तुझे, बहुत काट के ना मुझे भर दूंगी, कबों को दे दूंगी, शर्म नहीं आती देखो। काहे के हम समझा देंगे, तुम चलो। तुम्हें हमसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है मुन्ना, तुम यहाँ पर जो रह रहे हो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं तुम्हारी मदद करने की, लेकिन तुम अपना हक जबरदस्ती छीनना चाहते हो, और इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। नुकसान तुम्हारा होगा और तुम हमें दोष नहीं दे सकते। तुम बिजनेस करने चले, कोई समझ है बिजनेस की तुम्हें? बिजनेस के लिए थोड़ी बुद्धि चाहिए, बैठकर सीखना पड़ता है, लोगों से रिश्ते बनाने पड़ते हैं, प्यार मोहब्बत से बातें करनी पड़ती, लेकिन तुम क्या समझोगे रिश्तों को? एसी ऑफिस में बैठ के इन्हें सड़क की भाषा नहीं आती। भाषण देना आसान है कि बिजनेस ऐसे किया जाता है वैसे किया जाता है, हम कुछ करें वो गलत और वो कुछ करें तो सही। चलो मुन्ना। हाय दैया, बेचारी रिमझिम की तो इज्जत ही मिट्टी में मिला दी हमारे मुन्ना बापू और बहुरानी ने। रिमझिमी तो हमारा साथ देती है और जे लोग उसको ही भला बुरा बोलते हैं, एक दिन खुद तो जाएंगे जहां से, हमें भी धक्के देकर बाहर निकलवाएंगे। रोज एक मुसीबत खड़ी कर देते हैं,
गले के हड्डी बन गए ये लोग। माँ मुझे पूरा यकीन है केस में रिमझिम का कोई ना कोई फायदा जरूर है। बिना फायदे के वो कोई काम नहीं करने वाली है और मुझे पूरा यकीन है उन लोगों के साथ मिलके वो सब कुछ हमारा हड़पना चाहती है। जयंती तुम भूल रही हो कि रिमझिम ने हमें हर मुसीबत से बचाया, फिर वो ऐसा काम क्यों करेगी? कावेरी भाभी नियत बदलने में टाइम नहीं लगता, पैसा है ही ऐसी चीज, अच्छे अच्छों की नियत बदल देता है। यशोदा तुम इस घर की बड़ी बहू हो, उसे समझाओ कि अपने घर की देखभाल करे, उनके साथ जाके ना मिले। माँ जी रिमझिम जो भी कर रही है वो सही कर रही है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। घर में इतना सब कुछ हो रहा है, हम सब लोगों को रिमझिम की मदद करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए ताकि अविनाश और राकेश को कोई तकलीफ ना हो। कुछ भी हो मैं रिमझिम का साथ हरगिज नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि उसकी वजह से आज हम लोग तकलीफ में हैं। हम लोगों का साथ देने की बजाय वो उन लोगों का साथ दे रही है। बाबूजी तक हम आपको हमेशा ये कहते रहे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं कह सकते। कुछ भी ठीक नहीं, जो कुछ करने जाते हैं सब कुछ उल्टा हो जाता है। कोई हमारी बात समझने को तैयार नहीं। तुम हमसे बात नहीं कर रही हो ना, तुम हमसे कट्टी हो, हमें पता है। मुन्ना बाबू आप बताए, मुन्ना बाबू की परवरिश ही ऐसी कर पाए, हम अकेले थे, हम जैसे तैसे। असल में बात यह है कि जिस तरह से हम लोग रहे ना, वहाँ हर चीज के लिए छीना झपटी करनी पड़ती थी, यहाँ तक कि पानी के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती थी। सो जब मुन्ना बाबू भी रिमझिम कहे ना कि अगर घर वाले इसे अपने में शामिल कर ले तो ये बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो हमसे कहनी चाहिए थी, वहाँ ऑफिस में जाने की क्या जरूरत। हाँ सो हमने भी यही कही इससे, मूर्ख का गबार एकदम का है ना। एक बात ये है रिमझिम के, अब जो कहावत है ना कि जिसको तैरना नहीं आ उसे हम बीच समंदर में ढकेल दे, सो वो तो डूबा ही डूबा ना। रिमझिम तो हाँ हाथ जोड़, एक 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 मौका, एक मौका दे दो मुन्ना बाबू को। बाबू जी आप तो सुन रहे हो ना, आप देख रहे हो ना, हम जब छोटे थे तो आप थे नहीं, हमने कछु बोला, अब अम्मा भी चली गई, हम अकेले हैं। देखो हमें कछु नहीं, हमें कछु नहीं, ये परेशान हो रही है हमारे चक्कर में। बुद्ध की तरह कायकर आशीर्वाद लो नाना जी से। अरे नाना जी हम सबको घर में ला तो दिया और खुद क्या आराम कर रहे हो, लगता है हमें कुछ करना पड़ेगा। गाड़ी कहाँ मेरी? पहले नहीं बताया तुझे गाड़ी चलानी आती है? अरे बताता तो ड्राइवर बना देती मुझे। अरे नहीं रे ड्राइवर नहीं बनाती, पर अपने पॉकेट मार के अलावा गाड़ी चलाने का भी बिजनेस कर सकते थे। ओह हाँ ये तो मुझे ध्यान ही नहीं आया। खराब करके रखा हुआ है।
उन्होंने और हमें कहीं के जरूर लेकर गए होंगे। महाराज जी, महाराज जी, कहाँ हुआ बबुआ? कहाँ है दोनों? कौन दोनों? अरे भाई मुंडा और पारो, पता नहीं बाहर गए होंगे शायद कहीं। कहाँ है? अरे बाहर मैं कंपाउंड में गया तो मेरी गाड़ी वहां पे नहीं खड़ी हुई है। जरूर ये दोनों चोर उचक्के उठा कर ले गए होंगे। मुझे तो डर है मेरी गाड़ी किसी को बेच ना दे। ए, ये ले, खटरा गाड़ी है, ब्रेक भी नहीं लगता। रुक गई, वो तो अच्छा हुआ बच गए हम लोग। क्या जा, क्या मालिक के पीछे? बैठ। ए, कुछ लाएगा खाने पीने के लिए? तेरा मालिक बहुत डरपोक है। क्या घूर है? ए, किससे पूछ के लेके गया था मेरी गाड़ी? मैं किसी से पूछता नहीं हुआ, गाड़ी चाहिए थी ले गया बस। दोबारा मेरी किसी भी चीज को हाथ लगाने से पहले सोच लेना, अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा है? हमारा घर है, हमें गाड़ी चाहिए थी ले गए। और वैसे भी अरे यार तू हमारा हिस्सा दे दे, हम अपनी गाड़ी खुद ले लेंगे। हिस्सा? एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, समझे? देनी तो पड़ेगी वरना। नहीं तो क्या कर लोगे? तो फिर कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट जाकर बता दूंगा कि मैं हूं कौन। कौन हो मतलब? ये लो, इसको फिर से सारी स्टोरी बतानी पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है कोर्ट में बड़ी आसानी से हरा दोगे तुम हमें? कोर्ट को सबूतों की और गवाहों की जरूरत पड़ती है। कौन देगा तुम्हारे लिए गवाही? राकेश भैया, बात कोर्ट तक क्यों खींच रहे हैं आप? अरे ये धमकी दे रहा है मुझे कोर्ट कचहरी की। पूछो इससे क्या साबित करेगा कोर्ट में, कौन आएगा इसके लिए गवाही देने? हाँ भैया प्लीज ऐसे मत कहिए। बाबू जी से हमने वादा किया था कि हम इन सबका ख्याल रखेंगे और अगर नौबत आए तो हमें हमें गवाही देनी पड़ेगी। तुम्हारी गवाही कोर्ट में नहीं मानी जाएगी रिमझिम। कोर्ट को सिर्फ बाबूजी सबूत दे सकते हैं और वो हॉस्पिटल में। सबूत? सबूत तो आपकी आंखों के सामने है। हमने कल टीवी पर देखा है कि कुछ टेस्ट किए जाते हैं। जब पुलिस चोर को पकड़ सकती है नाखून और बाल के सैंपल मिलाके, तो हम भी कोर्ट में साबित कर सकते हैं। पारो, तुम दोनों अंदर जाओ। अविनाश, अविनाश आपसे राय लेनी थी। बोलो। अविनाश उर्मिला जी को उनका हिस्सा दे देना चाहिए, वो बाबूजी की बेटे हैं, उनका हक बनता है। रमजम तुम अपना फैसला सुनाने आई हो या मुझसे राय मांगने आई हो? अगर तुम फैसला रह चुकी हो तो फिर मुझसे राय मांगने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपकी राय हमारे लिए जरूरी है। देखो रिमझिम, मैंने सबके सामने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर हमारे बीच में सहमति नहीं है तो हमारे रिश्ते में फर्क पड़ सकता है, ये घर टूट सकता है। जरा सोच रिमझिम, मां पर क्या गुजर रही हो, वो नहीं चाहेगी कि ये घर टूट जाए, है ना? विनाश, कुछ रुपयों की वजह से हमारे रिश्ते टूट जाएंगे? इतने जरूरी है पैसे? अविनाश माने ना माने, उर्मिला जी आपकी भी तो बहन है ना, बड़ी बहन। अविनाश हमारे पास तो पूरा परिवार है, रिश्ते हैं, उनके पास क्या है? और
किसी का हक मार के हमें क्या मिलेगा? पाप चढ़ेगा हम पर। कुछ रुपयों के लिए ऐसा मत कीजिए अविनाश, उन्हें उनका हक दे दीजिए अविनाश। राकेश भैया, हमें जितनी जल्दी हो सके इस मुसीबत से छुटकारा पाना ही होगा। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ जयंती, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढूं। मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम हमेशा हमेशा के लिए इन लोगों से छुटकारा पा सकते हैं। राकेश भैया, हमें जो भी फैसला करना होगा जल्दी करना होगा, वरना वो लोग घर के अंदर होंगे और हम लोग घर के बाहर। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे बिटिया, खाना तैयार है, खा के जाओ। आने के बाद खा लेंगे, बाबूजी से हॉस्पिटल में मिलने जा रहे हैं। जाना तो हम भी चाह रहे थे। अगली बार ले जाएंगे आपको भी जल्दी में। अच्छा। ठीक है।